पिस्टल कारतूस करते थे सप्लाई, हथियार लेस पाज बदमाश गिरफ्तार। हथियार सप्लाई चैन तोड़ने में किरनापुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हथियार लेस पाज बदमाश गिरफ्तार। बालाघाट की किरनापुर थाना पुलिस ने भी हथियार सप्लाई चैन तोड़ने में सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने हथियार लेस पाज बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को भी मुखबिरी से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो युवक हथियार लेकर रजगांव में घूम रहे थे, जहां सूचना के बाद पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक पिस्टल और तीन कारतूस बरामद हुए, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि उन्हें गोंदिया आमगांव निवासी किसी मुकेश कोरे नामक युवक ने पिस्टल सप्लाई किया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकेश को भी धर दबोचा, जहां उसने बताया कि उसे नागपुर के किसी फिरोज के द्वारा हथियार सप्लाई किया जाता है और वह ऊंचे दामों में लोगों को बेचता है, जहां उसने अन्य दो युवकों के नाम भी पुलिस को बताए जिन्हें वह हथियार सप्लाई कर चुका था। जहां कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बालाघाट व किरनापुर निवासी अन्य दो युवकों को भी हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस तरह किरनापुर पुलिस ने हथियार सप्लाई चैन तोड़ने हेतु कार्रवाई करते हुए कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुल 3 नग पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम रजे गांव में मुखबिर की सूचना पर दो लड़कों को राउंड अप किया गया था, जिनके पास में एक पिस्टल जिंदा कारतूस और एक के पास में कारतूस मिले थे। जब दोनों को पूछताछ किया तो इनके द्वारा एक आमगांव के मुकेश नाम के व्यक्ति का नाम बताया गया, तो मुकेश से लेना बताया गया। मुकेश को जब पूछताछ की गई तो मुकेश ने दो और लड़के हैं उनको इसके द्वारा सप्लाई करना बताया गया, एक योगेश और एक राजेश। योगेश और राजेश के पास भी एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुकेश का से जब सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि ये एक फिरोज नाम का व्यक्ति है जो नागपुर का रहने वाला है, उससे लेकर आता है और ऊँचे दामों में खरीदता है और कम दाम में खरीदकर यहाँ पर ऊँचे दामों में बेचता है। अभी हम मुकेश का पीआर लेकर फिरोज के लिए टीम रवाना करेंगे और उसको पकड़कर उसके जो नेक्सस है, इसका जो सप्लायर है और कौन कौन कहाँ कहाँ पर सप्लाई करता है फिरोज, इस संबंध में पूछताछ करेंगे। क्या रेट होगी सर इसकी? सर रेट ये डिसाइड करते कितने बेचते हैं, क्या है? क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जो 30,000 है, 35,000 है, कहीं कुछ 40,000-45,000 तक भी इनके द्वारा बेचा जाता है। सर देखा जाए तो जिस समय वर्तमान में काफ़ी संख्या में बदमाश लोग हैं जो हथियारों के साथ बालाघाट पहुँच रहे हैं, तो क्या बड़ी घटना किस पर देखा जा सकता है? बल्कि पुलिस लगातार नजर बनाए हुए हैं, जितने भी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं अपराधी, उनके ऊपर सतत निगरानी रखी हुई, उसी में इस तरह की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में भी इस तरह से कोई सूचना प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सर सोशल मीडिया ट्रेंड को लेकर भी होता है कि बुलाए हैं सब मुझे सामने आई है, ये किस प्रकार का होता है, क्या कैसे करती है? देखिए सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर विभिन्न जिलों में भी ये प्रकाश में आया है कि सोशल मीडिया में जो युवा लड़के हैं ये इस तरह के अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं, तो उससे भी एक ये ट्रेड समझ में आता है कि आजकल के युवा जो है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कोतवाली पुलिस ने भी हथियार लेस बदमाशों को धर दबोचा था और अब तिरोड़ी पुलिस व किरनापुर पुलिस ने भी हथियार के साथ बदमाशों को पकड़ा है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि किसी अन्य महानगरों की तर्ज पर बालाघाट जिले में भी आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा बढ़ने लगा है और छोटे बदमाशों व बेरोजगार युवाओं को हथियार सप्लाई की जा रही है। क्योंकि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है, ऐसे में हथियारों की सप्लाई होना या हथियार लेस होना, बदमाशों का घूमना, भविष्य में किसी बड़ी घटना के घटित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरें पसंद आए तो खबरें शेयर करें।